एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। दोस्तों, झारखंड की 20 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 7 दिसंबर को होना है। यहीं से तय होगा कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण के अंदर होनी है। इससे पहले 13 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, जनता ने अपना फैसला दे दिया है। वही मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा है जी दोस्तों, मुस्लिम वोटर ही तय करेगा इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि गठबंधन को अगर मुस्लिम वोट चला जाता है, गठबंधन की सरकार अगर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो फिर बीजेपी की सरकार। इसके लिए 7 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान समाप्त होना है। राज्य में कुल 24 जिले आते हैं, 81 सीटें यहां पर आती हैं और 5 चरणों में मतदान समाप्त होना है। तो दूसरे चरण के लिए प्रचार समाप्त हो चुका है, ऐसे में सबसे ज्यादा नजर इन 20 सीटों पर ही है, क्योंकि तय हो जाएगा कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। और चुनाव का यह चरण कई मायनों में खास है, क्योंकि 5 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 20 सीटें इसी चरण में होने जा रही हैं। ऐसे में अगर बात करें तो पूर्वी यहां पर जमशेदपुर सीट और यहां पर बहरागोड़ा सीट जो है वो अनारक्षित है, और 15 सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। और अगर आपको बताएं तो इस बार कई यहां पर दिग्गज मैदान में है। अगर बात करें तो रघुवर दास चुनावी मैदान में, तो अध्यक्ष दिनेश उराव, भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गुलुआ और पूर्व मंत्री सरयू राय, यहां पर नीलकंठ सह मुंडा समेत दर्जनों यहां पर बड़े दिग्गज इस चरण में चुनावी मैदान में हैं। अगर 2014 के आंकड़े आपको दिखाएं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। अगर बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर कुल 45 सीटें ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, और इनमें से बीजेपी ने अकेले दम पर 20 सीटें हासिल की थी, और इन 20 सीटों में 15 सीटें ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित होती हैं। अगर दूसरे चरण के लिए बात करें तो चुनावी प्रचार किस प्रकार से रहा, क्योंकि चुनावी प्रचार जिस तरफ मुड़ जाता है, जिस तरफ उसकी लहर होती है, कहना चाहिए कि सरकार उसकी ही बनती है। और मोदी, राहुल और सिब्बू तीन बड़े दल हैं और तीनों बड़े नेता हैं, और तीनों ने बढ़ चढ़कर प्रचार किया है। अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी और कई जगह जुलूस रैलियां निकाली गईं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह और इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यहां पर सिब्बू सोरेन भी मैदान में उतरे। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन क्या होगा इसका परिणाम आगे आपको बताएंगे। अगर बात करें तो सबसे यहां पर जो मुकाबला है वो रघुवर दास के खिलाफ, क्योंकि रघुवर दास के खिलाफ पूर्व यहां पर मंत्री सरयू राय इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर उतर चुके हैं। वही कांग्रेस ने यहां पर गौरव बल्लभ को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन रिकॉर्ड यहां पर रघुवर दास के पक्ष में है। अगर 2014, 2009 और 2005 इन तीनों बार हैट्रिक लगा चुके हैं, तो क्या चौथी बार फिर ये जीत दर्ज कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको अगर कुछ और यहाँ पर कैंडिडेट की बात करें तो बहरागोड़ा विधानसभा सीट के लिए समीर कुमार महंती जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनावी मैदान में है, और सनंत कुमार महतो जो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कुणाल सड़ंगी चुनावी मैदान में है, और हरमोहन महतो झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो बहरागोड़ा विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो यहां पर कुणाल सड़ंगी पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के टिकट से जीते थे, तो ये सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। यहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और अगर आपको यहां पर घाटसला विधानसभा सीट की तस्वीर आपको दिखाएं तो ऐसा ही कुछ घाटसला विधानसभा सीट में भी देखने को मिल रहा है। मराठी को बीजेपी ने नया उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा अगर बात करें तो JMM तरफ से रामदास और आरसू ने यहां पर प्रदीप कुमार बालमुजू को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, तो इसके लिए जनता 7 दिसंबर को तय कर देगी कि कौन यहां पर बन जाएगा विधायक। अगर कुछ और आंकड़े आपको इन 20 सीटों के लिए दिखाएं तो बता दें कि झारखंड के दूसरे चरण के लिए 20 सीटें हैं और 2014 में 8 सीटें विधानसभा सीट की बीजेपी ने और 8 सीटें यहां पर JMM ने जीती थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो बड़े दल हैं और दोनों ही यहां पर बराबर की टक्कर दिखी थी, लेकिन पाला बदला है कुछ नेताओं ने इस कारण से। क्या यहां पर कुछ बदल जाएगा आगे आपको बताएंगे। 2 सीटें यहां पर आसू ने और 2 सीटें अन्य के खाते में यहां पर 2014 के अंदर गई, लेकिन 2019 के लिए क्या कुछ यहां पर आंकड़े वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी ने जो 8 सीटें जीती थी उनमें घाटसलापुर, जमशेदपुर और जमशेदपुर पश्चिमी, कूटी, बांदर, सिसई और सिंहखेड़ा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि JMM ने सायखेड़ा, चायबासा,
बढ़ागोड़ा और बढ़ागोड़ा से जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी में आ चुके हैं, ये आपको याद रखना होगा। माझगांव यहाँ पर मनोहरपुर और चक्रधरपुर खासवाड़ा तोरपा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा तमार और जुगलसराय सीट आरसू के खाते में गई थी, कोलेवरा और जगन्नाथपुर अन्य के खाते में ये सीटें गई थी। लेकिन आगे अगर आपको कुछ और आंकड़े दिखाएं तो इसके बारे में सियासी समीकरण बदल चुके हैं। दूसरे चरण के लिए 20 सीटों पर 260 कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी यहीं उतारे गए हैं। और बीजेपी ने 20 तो कांग्रेस ने 6 और जेएमएम के 14 कैंडिडेट यहां पर चुनावी मैदान में हैं। झारखंड विकास मोर्चा के 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। इसके अलावा अन्य दलों ने भी यहां पर, जिसमें एजुकेशन पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे और 14, बकवा और भकवा के 3 और एनसीपी का 1, तृणमूल कांग्रेस के 5 और 73 निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर बीजेपी और आरसू के अलग अलग चुनाव लड़ने के आंकड़े आपको दिखाएं, पहले इन सीटों पर बीजेपी और आरसू ने यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब गठबंधन बदल चुका है। गठबंधन आप कह सकते हैं कि कांग्रेस यहां पर अगर बात करें तो जेएमएम और आरजेडी के बीच है, बीजेपी अकेली चुनावी मैदान में है। तो आरसू का यहां पर समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि आरसू का जो विधायक है जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जगन्नाथपुर सीट जय भारत समान पार्टी गीता कोड़ा विजयी हुई थी और इसके बाद वह कांग्रेस से टिकट पर अब चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा जेएमएम ने अपने 8 विधायकों में से कुणाल सड़ंगी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो ये कुछ बड़ा बदलाव है और कहना चाहिए कि ये ही इन बदलावों से सीटों में अंतर देखने को मिलेगा। और चुनावी मैदान में बीजेपी छोड़ जेएमएम का दामन थामने वाले समीर महंती चुनावी मैदान में अब टक्कर देंगे। कुछ और नेता हैं जिनके पाले बदल चुके हैं। जेएमएम ने 3 नए चेहरे समीर महंती और सुखराम उराव और सुदीप पुड़िया शामिल हैं बीजेपी के खाते में। कहीं 8 मौजूदा सीटों में से 4 विधायकों का बीजेपी ने भी टिकट काट दिया है और नए चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है सरयू राय, बीजेपी के मुख्यमंत्री यहाँ पर रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं इस बार इस सीट पर मुख्यमंत्री को कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। गंगोत्री कुर्ज और बिमला प्रधान शामिल हैं, इनकी जगह बीजेपी ने नए चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, जिनके नाम देवेंद्र सिंह, देव कुमार धान और सर्वनंदा बिश्रा और लखन मरडी शामिल हैं। तो दोस्तों, हमने आंकड़े देखे कौन कहां से चुनावी मैदान में है और किस तरह से पाले बदले गए हैं। इन सभी आंकड़ों के बाद क्या कहता है इन 20 सीटों के लिए एग्जिट पोल। जहां दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जेएमएम के लिए, तो 2019 के लिए 7 सीट जेएमएम के खाते में जा सकते हैं। जेएमएम को पहले यहां पर फायदा हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार से उनके जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इस कारण से इन सीटों में 2 सीटों का नुकसान इनको हो रहा है। पहले ये आंकड़ा था वो 10 सीटों के पार जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी में शामिल होने वाले जेएमएम के नेता के कारण बीजेपी 1 सीट का फायदा हो रहा है। 2014 के मुकाबले 9 सीट बीजेपी के खाते में इन 20 सीटों में से जा सकती हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा रही है, पहले 1 भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 1 सीट इस बार जाती नजर आ रही है। एजुएस जो पार्टी, उसको 1 सीट मिल सकती है, क्योंकि एजुएस जो पार्टी है उसके कैंडिडेट भी यहां पर पाला बदल चुके हैं, इस कारण से उन्हें पहले 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट उनको 2019 के एग्जिट पोल के अनुसार मिल सकती है इन 20 सीटों के अंदर। भाई झारखंड विकास मोर्चा के लिए 1 सीट यहां पर जा सकती है और अगर बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है, लेकिन 2014 में 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी, लेकिन इस बार 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है और 1 सीट का नुकसान अन्य के खाते में, जो कांग्रेस को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है, आगे आगे किस प्रकार के चुनाव प्रचार होते हैं और कौन से दल किस पार्टी को समर्थन करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा और इन आंकड़ों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फाइनल आंकड़े आपको 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है इन 20 सीटों के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और